नमस्कार, राजनामा टीवी पर आपका स्वागत है। मैं प्रिया आपके साथ। भारत ने कनाडा से उनके 41 डिप्लोमेट्स को वापस बुलाने को कहा है। खालिस्तानी आतंकी निज्जर की हत्या पर जारी तनाव के बीच ये फैसला लिया गया। इन डिप्लोमेट्स को भारत छोड़ने के लिए 10 अक्टूबर की डेडलाइन दी गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक डेडलाइन के बाद इन 41 में से जो डिप्लोमेट भारत में रह जाएंगे उनको मिलने वाली छूट और दूसरे फायदे बंद कर दिए जाएंगे। कनाडा के भारत में करीब 62 डिप्लोमेट्स काम करते हैं। 10 अक्टूबर के बाद देश में केवल 21 कनाडाई डिप्लोमेट्स ही बचेंगे। डेडलाइन से पहले अगर कनाडा के डिप्लोमेट्स वापस नहीं लौटे तो उनकी इम्यूनिटी खत्म कर दी जाएगी। ऐसे में सबसे पहले जानिए डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी क्या होती है। वियना कन्वेंशन के तहत डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी को मानना जरूरी है। वियना कन्वेंशन में डिप्लोमेटिक रिलेशन और विदेश में डिप्लोमेट्स को मिलने वाली सुविधाओं के बारे में बताया गया है। इसके तहत डिप्लोमेट्स पर कोई मुकदमा नहीं चलाया जा सकता और न ही उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है। हालांकि अगर कोई डिप्लोमेट होस्ट देश के कानून के मुताबिक कोई अपराध करता है तो उसे उसके देश वापस भेजा जाएगा, जहां पर आगे की कार्रवाई होगी। इसके अलावा डिप्लोमेट्स की घर की तलाशी भी नहीं ली जा सकती। उन्हें किसी भी केस में गवाह नहीं बनाया जा सकता। इससे पहले विदेश मंत्रालय ने कहा था कि हमने कनाडा से साफ कह दिया है कि डिप्लोमेट्स की संख्या दोनों देशों में बराबर होनी चाहिए। यह वियना कन्वेंशन के तहत जरूरी है। कनाडा के पीएम ट्रूडो ने 18 सितंबर को भारत सरकार पर खालिस्तानी आतंकी निज्जर की हत्या में शामिल होने का आरोप लगाया था। इसके बाद उन्होंने भारत के एक डिप्लोमेट को भी निकाल दिया था। कनाडा के इस एक्शन का जवाब देते हुए भारत ने भी उनके एक डिप्लोमेट को देश छोड़ने के लिए कहा था। इसके बाद भारत ने कनाडाई नागरिकों के लिए वीजा सेवाएं भी बंद कर दी थी। इसी के साथ बने रहिए राजनामा टीवी के साथ। धन्यवाद।